दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस है, क्योंकि इस वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे लड़की के बारे में जो YouTube से, जी हाँ दोस्तों, YouTube से YouTube पर अपने चैनल के ऊपर दूसरे का वीडियो डालकर महीने का 50,000 यानी 50,000 रुपए कमाई कर रही है। और काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ अपना खुद का वीडियो बनाकर ही YouTube से पैसा अर्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। YouTube पर काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं, बंदियां हैं, जो कि दूसरे के वीडियो से आज के डेट में काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो का बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले, आप लोग भी यूट्यूब पे आए, काम करें, फिर चाहे अपना वीडियो बनाए या फिर दूसरे लोगों का वीडियो ही डाले अपने चैनल के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग घर बैठे पैसे कमा पाए किसी न किसी तरीके से। अब यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पर वीडियो डालते हो, अपना खुद का वीडियो डालते हो, तो आपको कोई भी कॉपीराइट या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का यहाँ पर डर नहीं रहता है। लेकिन अगर आप अपने चैनल पे दूसरे लोगों का वीडियो डालते हो, तो कहीं ना कहीं एक कॉपीराइट जो स्ट्राइक है, जो यहाँ पर क्लेम है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, उसे आपको फॉलो करना होता है। अगर आप दूसरे का वीडियो डालोगे तो आपके चैनल पे कॉपीराइट आ सकता है, लेकिन इसके लिए भी एक तरीका होता है, सही से आपको चीज़ों को फॉलो करना होता है और सही से वीडियो बना करके उसे सही तरीके से एडिट करके आपको डालना होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको उस लड़की के चैनल का नाम भी बताएंगे, साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताएंगे कि किस तरीके का वीडियो वो यहाँ पर डाल रही है, दूसरे का वीडियो, और उससे अच्छा खासा पैसा यहाँ पर अर्न कर रही है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू आखिरी तक तो देखिएगा ही दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको उनका अर्निंग का जो प्रूफ है वो भी देने वाला हूँ। और अगर यहाँ पर आप इसी तरीके से मोटिवेशन के लिए अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हो कि कौन से यूट्यूब चैनल कितना पैसा कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, और जो काफ़ी कम दिनों में अपने YouTube पे सफलता प्राप्त किया है, उसके बारे में अगर जानना चाहते हो मोटिवेशन के लिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लेकर के आप लोगों के लिए आऊँगा। तो यहाँ पर चलते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर YouTube पे कुछ वीडियोज़ को देख रहा था, तो यहाँ पर मुझे पता चला एक चैनल के बारे में, और काफ़ी कम उम्र की ये लड़की है दोस्तों, और काफ़ी पुराना चैनल नहीं है इनका। इनके चैनल का नाम है प्रिया रिया कॉमेडी, जी हाँ, इनके चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके इनके चैनल को भी देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, कैसा वीडियोस बना रहे हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने इनके चैनल को ओपन करा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो बेसिकली रिएक्शन वाले वीडियोज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, रिएक्शन वीडियोज़ ये बनाती हैं, जैसे कि जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में होता है, या फिर कॉमेडी से हो, या फिर दोस्तों कोई भी चीज़ अगर ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उनका ये वीडियो क्या करते हैं, डाउनलोड करके और खुद फेस स्कैम वीडियो बनाते हैं, यानी कैमरे के सामने आकर के बनाते हैं, और यहाँ पर उस वीडियो को अपने डिस्प्ले के साइड बार में लगा के और उस पर एक रिएक्शन वीडियो बनाती है, कॉमेडी वीडियो बनाती है। जैसा कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर के बारे में आप जानते होंगे जो रोस्टिंग करते हैं, जैसे कि कैरी मिनाटी भी एक रिएक्शन वीडियो ही बनाते हैं, रोस्टिंग वीडियो ही बनाते हैं, कितना ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो लड़की है ये भी रिएक्शन वीडियो बना रही है, आप इनके चैनल को जाके विजिट कीजिएगा। तो वैसे अभी फ़िलहाल के जो इनके वीडियोज़ पर व्यूज़ हैं उतने खास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, 500, 700, 800 व्यूज़ ही आ रहे हैं, लेकिन इनके चैनल को यहाँ पर सफलता तब मिली जब इन्होंने एक वीडियो बनाया काम वाली बाई के ऊपर। जी हाँ, काफ़ी ट्रेंडिंग में वो टॉपिक था और उनके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो इन्होंने बनाया, साथ ही साथ ये वीडियो जो है उनका वायरल हो गया, इन वीडियोस के ऊपर 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ गए और इसी से इनका चैनल जो है वो चल पड़ा। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी कहना चाहूँगा कि अगर आप रेगुलर यहाँ पर कॉन्टेंट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो और आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको रेगुलर मेहनत करना है। आपके चैनल को बूस्ट करने के लिए सिर्फ एक या फिर दो वीडियोस ही चाहिए, अगर एक से दो वीडियोस वायरल हो जाता है तो आपका चैनल ग्रो कर जाएगा और अपने चैनल से आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर इनके चैनल पे अगर हम मोस्ट पॉपुलर वीडियोस की बात करें, तो इनके चैनल पे ऐसा भी वीडियोस है जिन वीडियोस पे दोस्तों 2.4 मिलियन व्यूज गए हैं, किसी वीडियोस पे 9 लाख से ज्यादा व्यूज हैं, तो अच्छा खासा इनका चैनल चल रहा है। तो अगर आप भी दूसरे के वीडियोस से पैसा अर्न करना
चाहते हो तो पहले इनके चैनल को जाके देखो, इनका दो चार वीडियोस देखो कैसा वीडियोस बना रहे हैं। और दोस्तों इनके वीडियोस को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पर अगर आप इनके देखोगे वीडियो बनाने का तरीका तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ये यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर मैं आपको स्क्रीनशॉट के जरिए यहाँ पर जो सोशल ब्लेड का पेमेंट प्रूफ है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मंथली का ये कितना अर्न कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ यूट्यूब पे दूसरे के वीडियो से अगर पैसा अर्न करना चाहते हो तो सही से तरीके आपको फॉलो करने हैं। अब मैं आपको बता दूँ तरीका क्या है। अगर आप दूसरे का रिएक्शन वीडियो बनाना चाहते हो वीडियो लेकर के, तो सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो डाउनलोड करना है। काफ़ी सारे तरीके मिल जाएंगे आपको वीडियो डाउनलोड करने के, आप एक दो वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको रिएक्शन देना है, आपको आपको कैमरे के सामने आना है और कुछ कुछ रिएक्शन देना है कॉमेडी के तौर पे। इसके बाद आपको कॉपीराइट डिस्क्लेमर जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लगाना है। साथ ही साथ जिनका वीडियो आप यूज़ कर रहे हो उनके वीडियोज़ का जो लिंक है, चैनल का लिंक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक लाइन और यहाँ पर डालना है कि अगर किसी को आपत्ति है, लेकिन इंग्लिश में डालना है, अगर किसी को आपत्ति है इस वीडियो से तो यहाँ पर आप अपना ईमेल डाल सकते हो कि वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट स्ट्राइक जो है आपके चैनल पे ना आए। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे चीज़ों को तो आपके चैनल पे कॉपीराइट नहीं आएगा और आप अच्छा खासा पैसा दूसरे के वीडियो से अर्न कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।